HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। इजिप्ट का इतिहास तो हमेशा से लोगों के बीच जिज्ञासा का विषय बना रहा है। हाल ही में इजिप्ट की राजधानी कैरो में आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ नाले से निकली एक ऐसी चीज लगी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान हैरान कर दिया। कैरो में मटेरिया नाम की बस्ती की तरफ आर्कियोलॉजिस्ट कई सालों से इंटरेस्ट दिखा रहे थे। इन लोगों को पूरी उम्मीद थी कि इस इलाके में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा राज छिपाया गया है जिसके मिलने पर पूरी दुनिया में हड़कंप मच सकता है। पिछले 4 सालों से ये लोग इस जगह पर खुदाई कर रहे थे। जर्मनी और इजिप्ट के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जी जान से इस इलाके में खोजबीन कर रहे थे। इस साल मार्च की शुरुआत में इन्हें इलाके के नाले से कुछ ऐसा मिला जिसका इन्हें इतने सालों से इंतजार था। ये बेशकीमती चीज पिछले 3000 सालों से इस बस्ती के नाले के नीचे दफन थी। 4 साल की खुदाई के दौरान टीम को इस जगह से कई चीजें मिली थी। इस नाले से उन्हें 30 फीट बड़ी मूर्ति मिली। आज तक के इतिहास में ये हाथ आई सबसे बड़ी खोज थी। हालांकि इन्हें कोई बड़ी चीज अब तक नहीं मिली थी जिसकी वजह से ये हिम्मत खोते जा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें एक नाले की खुदाई के दौरान कुछ ऐसा दिखा जिसके बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल कई हजार साल पहले जब रोमन साम्राज्य ने इस जगह पर कब्जा जमाया तो उन्होंने कई सारी इमारतों को ध्वस्त कर उसके ऊपर नए निर्माण किए। इसमें राजा रामसेस द्वितीय की विशाल मूर्ति को भी ध्वस्त कर दिया गया था। वही विशाल मूर्ति इतने सालों तक इस नाले के अंदर दफन थी। आपको बता दें कि इजिप्ट का इतिहास कई राजाओं और साम्राज्यों की वजह से चर्चा में रहा है। हो सकता है भविष्य में और भी कई चीजें इस जगह से हाथ लगे।